देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। किसान दंपत्ति से पुलिस की मारपीट पर एमपी में बवाल, गुना में कलेक्टर और एसपी हटाए गए। ओबामा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट समेत इन 20 हाई प्रोफाइल लोगों के ट्विटर अकाउंट हुए हैक। राजकोट और सौराष्ट्र के कई इलाके में भूकंप के झटके, तीव्रता 4.8। कोरोना पर डॉक्टर फॉसी ने दी बड़ी चेतावनी, कहा दोहरा सकता है 1918 का इतिहास। बिहार में कोरोना के चलते आज से लॉकडाउन, 31 जुलाई तक रहेगी पाबंदी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की चीन को नसीहत, कहा कि कानून के शासन का करो सम्मान। दिल्ली के साहिबाबाद के स्लम इलाके में लगी आग। मुंबई के मरीन लाइन इलाके के एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। नोएडा में मेडिकल स्टोर मालिक को गोली मारकर 1 लाख रुपए लूटे। मिजोरम में कोरोना वायरस के चपेट में आए बीएसएफ के 5 और जवान। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के भाई स्नेहा शिष कोरोना पॉजिटिव। ओलंपिक टीम का हिस्सा रहे फुटबॉलर हकीम कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव। मलेशिया में फंसे मऊ के कई युवक, परिजनों का आरोप, बंधक बनाकर किया जा रहा है काम। यूपी में सीएम की सोशल मीडिया टीम में कोरोना की दस्तक, 2 कर्मचारी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, कृषि विभाग कार्यालय में की तोड़फोड़। सचिन पायलट बोले, राजद्रोह के नोटिस से आत्मसम्मान को लगी ठेस, बात सत्ता की नहीं। मंत्री महेंद्र नाथ पांडे बोले, हर जिले में खोलेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। पूर्वोत्तर से मुंबई तक बारिश का कहर, असम में 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफी ज्यादा। तीनों सेनाओं को 300 करोड़ तक रक्षा खरीद के लिए मिली मंजूरी। बहू के रूप में नौकरानी मांगने वाले पर भड़की हिंदी मीडियम की अभिनेत्री, कहा शादी करो कारोबार नहीं। लॉकडाउन में 42% बढ़ी अंबानी की नेटवर्थ, 9 साल बाद दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी गतिविधियों के सहयोगियों को किया गिरफ्तार। आईआईटी दिल्ली का नया आविष्कार, 650 रुपए में कोरोना जांच। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस परिवार में वापस आना चाहिए।